अब हम करेंगे 10 से विभाज्यता की जांच। 10 से विभाज्यता के लिए हम चेक करते हैं इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक देखो लिखो, यदि इकाई का अंक जीरो हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 5, 4, 7, 8, 0 इकाई का अंक क्या है इसमें? जीरो। देखो 10 के लिए क्या है इकाई का अंक क्या होना चाहिए? जीरो। तो इकाई का अंक जीरो है तो ये संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 4, 5, 0 ये भी 10 से विभाजित होगी। अब मैं कहूँ 1, 7, 9 अब 9 है लास्ट में, जीरो नहीं है, लास्ट में क्या होना चाहिए? जीरो। अगर लास्ट में जीरो नहीं है तो वो संख्या 10 से विभाजित नहीं है। अब ध्यान से करेंगे अगला वाला, 11 से विभाज्यता है, जो कि बेटा बहुत ज्यादा ही समझना आसान है और समझ में आ गया तो कर लोगे, नहीं समझ में आया तो कभी नहीं आएगा तुम्हें। देखो 11 से विभाज्यता इसकी जांच करेंगे अपन, ये तुम्हारे हर चीज में काम आएगी। कुछ बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम में आएगा, कुछ बच्चे वैसे उनके काम में आएगा, सिक्स में भी काम में आएगा, टेंथ तक काम में आएगा। ये 11 से विभाज्यता, कोई भी संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो रही है कि नहीं हो रही है इसको चेक करने के लिए अपन एक ट्रिक है, 4, 5, 6 अब ये संख्या मुझे चेक करनी है क्या 11 से भाग हो रही है कि नहीं हो रही है। एक तो तरीका है मैं पूरा भाग करके देखूं, और कोई लंबी संख्या आ गई तो भाग करने में भी टाइम लगेगा। देखो इसमें क्या करेंगे, एक संख्या क्या है पहली 4, एक संख्या छोड़ दो प्रिंस इधर, एक संख्या 4 है, एक संख्या छोड़ो 5 छोड़ दो, 5 छोड़ के अगली लिखो 6, इसके अगली छोड़ दो और नंबर है ही नहीं है ना, नीचे जो छोड़ दी वो यहां लिखो, जो छोड़ी हुई संख्या नीचे लिख ली, इसको जोड़ लो इसको जोड़ लो, 4 और 6 कितना हो गया 11, 4 और 6 11 नहीं 10। सोच के बोलते हैं, और 5 और 5 कितना हो गया 10। अब इन 10 में से 10 घटाओ कितने बचे 0, तो ये 11 से भाग हो जाएगी। तो ये 11 से पूरी पूरी देखो, अगर ऐसे एक छोड़कर इनको बोलते हैं, एक छोड़ को बोलते हैं अल्टरनेट, अगर मैं अल्टरनेट नंबर्स को जोड़ता चला जाऊं और उन अल्टरनेट्स के एक जोड़ और दूसरे अल्टरनेट का जोड़ का डिफरेंस माइनस करने पे 0 आए, 11 आए, 22 आए, 11 के पहाड़े का कुछ भी आ जाए तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। देखें ये हमारी ट्रिक सही है कि नहीं, 4, 5, 6, 5 डिवाइड करके देखते हैं, 11 चौके 44, 5 में 4 गया 1 उतार लिया 6, 11 एकम 11 बच्चा 5 उतार लिया 5, 11 पंजे कितना होता है 55। देखो पूरा पूरा बैठ गया, इसका मतलब हमारी ट्रिक सही है। देखो दूसरी ट्रिक देखते हैं, 5, 2, 3, 8, 1, 4, 5, 2 अब देखो कितना बड़ा नंबर है, अब अल्टरनेट नंबर जोड़ेंगे मतलब एक छोड़कर, 5, 5 के बाद एक छोड़ो 3, 3 के बाद एक छोड़ो 1, 1 के बाद एक छोड़ो 5, अब ये छोड़े नंबर को नीचे लिख लो 2, 8, 4, 2 ये तो नंबर छोड़े थे बेटा, इसको जोड़ो 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14 इनको जोड़ो 2 और 8 10 और 4 14 और 2 16 अब 16 में 14 घटा लो कितना बचा 2, तो 2 11 के 2 0 देखो कौन सी संख्या आती तो ये 2 आ गया ना लास्ट में, अभी विभाजित नहीं होगा। अगर संख्या आती 0 11 22 33 44 11 के पहाड़े का तो वो 11 से विभाजित होती, अब ये 11 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, ठीक है।